गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए ये आपका रिवीजन चल रहा है, पहले भी करा दिया है, ये चैप्टर आपका पहले भी हो चुका है। तो थर्ड क्वेश्चन आप कर सकते हो, चौथा बना रहा हूँ एक्सरसाइज 12.1 और चौथा क्वेश्चन चल रहा है हमारे पास में। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल टू साइड्स विच आर द, तो हमारे पास टू साइड्स दिए 18 और 10, टू साइड्स आप गिवन है 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। इसमें आपके पास पेरीमीटर भी गिवन है 42, तो हम दोनों साइड को जोड़ करके ऐड करके थर्ड साइड निकाल लो, आपकी थर्ड साइड आ जाएगी 42 माइनस 42 सेंटीमीटर माइनस 18 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, तो 42 सेंटीमीटर में से आप 48 सेंटीमीटर माइनस कर दो बेटा 14 सेंटीमीटर। अब आप एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू एस निकालो, और एस निकालने के बाद इसका फॉर्मूला लगा दो, तो यानी कि आपके पास 18 है प्लस 12 है 10 प्लस 14 है, तीनों को ऐड करो अपॉन टू, तो ये 42 आएगा, 21 आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, तो एस हमारे पास आया 21, 21 माइनस 18 21 माइनस 10 21 माइनस 14 21 18 में 3 21 में सब 3 11 और ये 7 3 × 7 × 3 × 3 × 11 × 7, तो 7 की 2 बार है तो 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये हमारे पास देखिए एक रेशियो वाला ले लेते हैं साइड ऑफ ए ट्रायंगल। दोस्तों ये पांचवा क्वेश्चन, लेट द साइड, लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो ये उसके लिए आपके पास 12x, 17x और 25x, तीनों को ऐड कर दो इक्वल टू पेरीमीटर 540 लगा दो, पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ट्रायंगल 540 दिया है, इसको आप 12x, 17x, 25x, 540 तो जोड़ दो 7 और 9 5 5 14 आ जाएगा 54x बराबर 540, 540 अपॉन 54 10 आ जाएगा x की वैल्यू, तो मैं एक 12x इज इक्वल टू 12 इनटू 10 120, 17 इनटू x 17x है तो 17 इनटू 10 170 और 25 इनटू x 25x 25 इनटू 10 250, तो s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c अपॉन 2 यानी पेरीमीटर अपॉन 2 यानी 540/2 2×4=270, क्योंकि पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है हमारे पास 540 पेरीमीटर है, बिल्कुल फाइंड द एरिया। तो हमें आ जाएगा एरिया ट्रायंगल एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी एरिया ट्रायंगल निकालने जा रहे हैं, तो एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, तो 270
270 270 माइनस 120।